कार्यक्रम हो रहा है ना कहीं पे भी, भद्रसेन जी कार्यक्रम हो रहा है ना कहीं पे भी, थोड़ा खतरनाक बोलूं मैं भाई साहब, नहीं जाना पुरुषार्थ है आज की डेट में। जाना पुरुषार्थ नहीं है। आपको मजाक लगेगी कि कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अरे भैया मैं सच बता रहा हूँ कि जिसने आत्म तत्व को समझ लिया, जिसने समय देखो समझो खतरनाक बोलना, देखो जिसकी जो दुकान खुली है, जिसने जो दुकान खोली है वो तो उसको बेचेगा, वो अपने सामान को कैसे ना करके बेचेगा, ये तो पक्की बात है। कपड़े वाला कपड़ा बेचना चाहता है, बर्तन वाला बर्तन बेचना चाहता है, डॉक्टर इलाज बेचना चाहता है, इंजीनियर नक्शा बेचना चाहता है, समझ में आया, और मंदिर वाले भगवान बेचना चाहते हैं, समझ में आया, विद्वान प्रवचन बेचना चाहता है, श्रोता मान खरीदना चाहता है, सबके अपने अपने धंधे, संसार का स्वरूप है ऐसा। लेकिन देखो भाई गहराई से समझो, अपन ने जो तत्व समझा है, अब कहीं पर कोई कार्यक्रम हो रहा है और वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठी होने वाली है, ये बात तो तुमने बहुत अच्छे से समझी है कि धर्म तो वास्तव में इसमें कहीं है नहीं, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। वो तो सब आपको इस उपदेश मिलेंगे, धर्म का कार्य है, अपने ही कार्य है, सबको पहुँचना चाहिए, सबको ताकत लगानी चाहिए, अपना ध्यान देना चाहिए, अरे भैया अपने मोक्षों का कार्य, ये सब क्या है, ये राग है कि धर्म है, ये अपने मोक्ष को अपने अपना अपना क्या होता है, हम धर्म में सब अपनापन छोड़ने आए हैं और तुम अपनापन कराने में लगे हो, अपने भाई हैं अपने मोक्ष हैं, क्या अपना पराया, समझना ध्यान से, और राग तुम्हें उत्पन्न होगा मंदिर बनाने, नहीं समझ में आया, राग किसको उत्पन्न होता है, हमें होता है जो तुम्हें यहाँ से शिफ्ट करना, क्या क्या तुम्हारे से तुम करते हो और तुम्हारे चक्कर में सारी समाज को डिस्टर्ब तुम करते हो, राग तुम्हें उत्पन्न, भाई एक आदमी को राग उत्पन्न हो गया यहाँ मंदिर नहीं जम रहा, अब एक के चक्कर में जो 50 की शांति से आराधना चल रही है वो सब डिस्टर्ब कर दो, क्योंकि भाई तुम सेठिया हो, तुम पैसे वाले भैया, तुम कुछ भी कर सकते हो, आम पब्लिक क्या करे, अभी तुम पूछ के तो कुछ करते नहीं किसी से, करते हो तो बताओ। और फिर बाद में एक पंडित को बुलाया या विद्वान को बुलाया और उस पब्लिक को गाइड करते हैं, जैसे नेता लोग करते कि नहीं करते, सेटिस्फेक्शन करा रहे अपने ही हैं, और बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, आप 1100 भले ही दो दान तो दो, मंदिर का काम है, राग की पूर्ति अपनी, समझ में आया कि नहीं आया। और फिर होता क्या है, अरे आज इतने मंदिर बन रहे हैं, इन मंदिर बनने की जगह ये समीक्षा होनी चाहिए कि वर्तमान में जितने मंदिर हैं उनमें कितना स्वाध्याय चल रहा है, कितने लोग बैठ रहे हैं, कितने पुजारी आ रहे हैं, कितनी क्या स्थिति बन रही, देखो तो पूरी तरह, अगर इसकी समीक्षा करोगे तो मंदिर बनाने का भाव निकल जाएगा, क्योंकि जो बने हुए हैं उनमें ही कोई बैठने वाला नहीं है भाई साहब। एक बात होता है, जब भीमगली मंदिर छोटा है क्या है, आप दुबई से आए ना, अब देखो इतने श्रोता बैठे रहते हैं, आज भी बाहर वाले होते हैं वो प्रोजेक्ट सुन रहे होते हैं, वे सोचते 100-200 आदमी बैठता होगा वहाँ, समझ में आया कि नहीं, ऐसी हमारे यहाँ की नहीं सब जगह की गई है। और मंदिर बनाना भाई साहब 1000 गज का, जिसमें 50 आदमी बैठने को तैयार नहीं है और मंदिर बना दो 10000 गज का, क्या होता है भैया, ये अपन को विचार करना ही चाहिए कि अपन अपने कर्तृत्व के चक्कर में, अपने मान आदि के चक्कर में समाज का कितना नुकसान करते हैं। और आजकल तो इतना सरल हो गया, ये तोड़ दो ये बना लो, फिर ये तोड़ दो फिर ये बना दो, नहीं तोड़ दो ये बना दो, कोई हिंसा की चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, बस पैसा आ रहा है लोगों पे, लोग देने वाले हैं, और सब संस्थाओं की हालत है कि बनवा तो लेते हैं जैसे तैसे करके, क्योंकि लोग मंदिरों के नाम पे बहुत पैसा दे देते हैं, प्रतिमाओं के नाम पे दे देते हैं, समझ में आया, तुम्हारे शिखर के कलश चढ़ाने के नाम पे दे सब दे देते, लेकिन बनने के बाद उसका मेंटेनेंस
ऐसी हालत होती है कि पूछो मत, फिर उसी के चंदा इकट्ठा करने में लगे रहते। अभी मैं तीर्थ का नाम नहीं ले रहा, मैं भी कोटा गया था प्रवचन करने, तो ले गए मुझे वो दर्शन कराने, समझ में आया। तो बता रहे थे कि जितना बड़ा कैंपस बना दिया है उसका महीने का 50 लाख रुपए का खर्चे भाई साहब, 50 लाख, 400 तो लेबर लगी, मैंने 400 वर्कर। अब 400 आदमी का हिसाब लगाओ भैया, एक आदमी को भी कम से कम 10,000-12,000 रुपए तो दोगे कि नहीं दोगे, हैं? पर उसका बिजली का बिल, उसका रख रखाव, फिर वो पानी, फिर वो सारा मेड, कितना कितना खर्चा है। और हमारा तुम्हारा क्या है, हम तो एक दिन के लिए गए और भला रोज तो कोई इतने यात्री तो दुनिया कहीं, जब वो है नहीं, या वो ऐसी जगह सम्मेश जैसी जगह है वहाँ तो खर्चे निकल आते हैं, ये अलग से जो बना रहे हो वहाँ ऐसे लोग नहीं जाते, वे तो क्या घूमने निकले तो रस्ते में पड़ा तो देख लिया बना कर। अब सब में, और आजकल सब में एसी, सब रूम एसी वाले चाहिए। अब मान के चलो अपन एसी लगवाएंगे, 50 कमरों में लगवाएंगे, तो उतनी बिजली का बिल, उतने मीटर लगवाने पड़ेंगे कि नहीं लगवाने पड़ेंगे। और ये तो गवर्नमेंट, तो अब चाहे तुम बिजली जलाओ और चाहे मत जलाओ, उनने एक मिनिमम चार्ज तो आपसे लेना ही लेना है। अब अधिकारी तुमने 400 नौकर रख रखे, अब चाहे वे काम करें, क्योंकि काम आएगा तभी तो करेंगे, अब एट अ टाइम तो मिलते भी नहीं। तो देखो भैया, कोई चीज़ बनाना बहुत आसान होता है और लोग दान देके बना भी लेते हैं, लेकिन उसका मेंटेनेंस की जब बात आती है तो सब परेशान होते हैं। तो अपने को ये जो कार्य धर्म कार्य धर्म कार्य हैं, इनमें जाना पुरुषार्थ नहीं है, इनमें नहीं जाना पुरुषार्थ है भाई साहब। भीड़ का मोह छोड़ना दुनिया का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जहाँ आपको पता है कि सब मेरे परिचित आने वाले हैं, है कि नहीं, सारे विद्वान वहाँ पहुँचने वाले हैं, और जे अपन वहाँ पहुँचते क्यों हैं भाई जिसे जी, आत्मकल्याण के लिए, काय के लिए पहुँचते, सच्ची बताओ काय के लिए। अभी जयपुर में हुआ था कार्यक्रम, कहीं पर भी था है, सब पहुँच काय के लिए पहुँचते हो, आत्मकल्याण के लिए भाई साहब, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। आई एम, मैं हूँ, मुझे देखो मैं हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, इसके लिए जाते हैं और कोई मतलब नहीं। तो वो धर्म है कि महाकसाय है, यानी सर धर्म के कार्य काय के, धर्म के कार्य कौन से, धर्म के कार्य, धर्म का कार्य बाहर में होते ही नहीं, धर्म का कार्य अंदर में होता है। है धर्म मत मानो, धर्म माने बिना रहोगे नहीं, मजाक नहीं कर रहा, आप नहीं मानोगे आपको के साथ, अरे अगर नहीं मानोगे तो तुम फिर जाओगे नहीं, क्योंकि तुम धोखा दे के ही जा सकते हो अपने आप, सच का सामना करके नहीं जा सकते। धोखा देना समझते हैं, धोखा देना ऐसा मन को समझा ले, अरे धर्म के तो कार्य, अरे अपने ही तुम लोग, वो नहीं कहते कि मैं अपने अहंकार के लिए जा रहा हूँ, ये शब्द नहीं बोलते अपने आप से, ये नहीं बोलते कि मैं मान के लिए जा रहा हूँ, ये बोलो तो फिर नहीं जा पाओ, क्योंकि वो आत्मा का पापी, शर्म नहीं आती तेरे, क्योंकि अंदर आत्मा ईमानदार आदमी बैठा भी है ना, अब उसको अपन धोखा कैसे देते हैं, अपन धोखा उसको ऐसे ही देते हैं, अरे अब ऐसे मेरा भाव तो नहीं है, लेकिन क्या करें, अब सब लोग आएंगे, अपन नहीं जाएंगे, अच्छा नहीं लगता, लोग क्या सोचेंगे, चलो। पर देखो धर्म का ही तो काम है, मंदिर बनेगा तो अच्छी बात तो है, अपन के खड़े होने से कुछ काम हो जाए, सब उल्टी उल्टी गंगा बहाली, और जबकि अंदर केवल अहंकार ही भरा पड़ा है, और छोड़ नहीं पाते। जिसको ये आदत पड़ गई मान पोषण करने की, वो तो छोड़ नहीं पाता। अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ले तो भी आफत बच जाएगी, मैंने ही नाम लिए काम चला लेता हूँ। अभी एक कार्यक्रम था, कहाँ था वो भी मत पूछना, किसका था वो भी मत पूछना, समझ में आया।
और वहाँ पर एक बहुत बुजुर्ग, उनका सम्मान होना था, मोक्षु है, वे आए। उनकी इतनी हालत ख़राब थी कि चार आदमी तो उनको पकड़ के चल रहे थे। समझ में आया कि नहीं आया? बाथरूम की नली डली हुई थी, कितनी स्थिति खराब। और वे सम्मान लेने के लिए आए। उस समय सार पड़ा है, तब तो समझा। मैंने कहा भाई साहब, जिसने समय सार पड़ा है उसे प्रधानमंत्री पद्म श्री दे रहा हो और उसके समाधि मण की स्थिति हो, उसे पद्म श्री की भी कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। हम लोगों की, जो आप लोगों की सबकी उम्र हो रही ना भाई साहब, 70 में तो निवृत्ति ले ही लो कि अब नहीं करना कुछ, अब नहीं जाना कहीं। और अब 70 तो बहुत हो गया, क्योंकि 70 में तो खत्म ही हो जाता है आदमी। 65 में निवृत्ति लो कि अब हम नहीं कहीं जाएंगे, हमने जितना जहाँ जाना था जा लिया, अब हमें आत्मकल। फिर आपको कोई नहीं पहचानेगा, हमें चाहिए ही नहीं। हमें जितनी पहचान चाहिए थी, जो हमने मान आदि के पोषण करके देख लिए, मेढकों को तोलने से ज़्यादा कुछ नहीं। ये तो एक मुमुक्षु का निर्णय होना ही चाहिए। अगर उसने आत्म तत्व समझा है, स्वाध्याय करा है, और अगर वो 75 साल की उम्र में भी वहीं का वहीं है, तो उसने समय सार समझा ही नहीं है परम सत्य है।